लोगों ने कहा था 28, 29, 30 नवंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे। विधानसभा के अब चुनाव तो आ रहे हैं, 28 तारीख में मध्यप्रदेश में चुनाव है, इसलिए 28 तारीख हम कुछ नहीं करेंगे, 29 और 30 हमारा प्रोग्राम कायम रहेगा, 29-30 तारीख प्रोग्राम कायम रहेगा। लॉन्ग मार्च के बदले अब दिल्ली से ही मार्च हर डायरेक्शन से 29 तारीख को होगा और शाम को हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे और रामलीला मैदान से सुबह हम लोग गोल्ड क्लब की तरफ जाएंगे। 90 के बाद आज तक गोल्ड क्लब में जो मीटिंग हुई, आठवीं मीटिंग याद आती है तो महेंद्र सिंह पटेल की याद आती है, किसान की याद आती है। अब हमारी कोशिश होगी उससे बड़ी मीटिंग हम लोग 30 तारीख को गोल्ड क्लब में करेंगे और गोल्ड क्लब में दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं हम परमिशन मांग रहे हैं। हमारा वाहन नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास फसल नहीं है, हम ट्रैक्टर पे आएंगे। आपको दिक्कत आती है, 10 साल से ऊपर का ट्रैक्टर नहीं लेके आएंगे। इंग्लिश का प्रॉब्लम था कि 10 साल से कम होना चाहिए तो 10 साल से कम का ट्रैक्टर लेके हम आएंगे, किसान अपने वाहन में आएगा। यही दो चीजें जो है आपको बतानी है कि ये 29-30 का प्रोग्राम पक्का है, कोई अफवाह फैलाए कुछ करे कोई मतलब नहीं है, ये प्रोग्राम है। और 30 तारीख को हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर पहला सेशन होगा किसानों के साथ और दूसरा सेशन गोल्ड क्लब में होगा। जिन पोलिटिकल पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है वो देश में आके बोले हम किसानों के साथ हैं। हमने पिछली बार गलती की तो की, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन दोनों बिलों को पहले पास कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं हम जीते रहेंगे प्रधानमंत्री को, हर देश की पार्टियों को समर्थन के लिए, और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री चाहे ये दो बिल जो हमने कहा सबका साथ सबका विकास उत्तर प्रदेश में कहा हम करेंगे, आपको कर्जे से देश के हर किसान को कर्जे से मुक्त करो, दूसरा देश को नाराजक कदम दो, हम चाहे प्रधानमंत्री जी से करें करेंगे, हम धन्यवाद भी करेंगे, पर जुमलों की राजनीति से आप किसान घबराएगा नहीं।